देश भर में कोरोना वायरस का संकट और गहराता जा रहा है। दो बार लॉकडाउन जारी होने के बाद भी देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला रेड जोन, दूसरा ऑरेंज जोन और तीसरा ग्रीन जोन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केस की संख्या, डबलिंग रेट और साथ ही टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की है। जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं, उसे रेड जोन में रखा गया है। लिस्ट के मुताबिक देश में कुल 130 रेड जोन है। सबसे ज्यादा रेड जोन उत्तर प्रदेश में यानी वहाँ 19 रेड जोन है। वहीं जिन जिलों में बीते 21 दिनों से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। केंद्र सरकार ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं। अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का नया केस नहीं आने पर किसी जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में रखा जा सकेगा। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम है, वो ग्रीन जोन में है। और अब ऑरेंज जोन की बात करें, जहां कोरोना के केस बिल्कुल ना के बराबर हैं, उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं अच्छी बात यह है कि देश में 15 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी रेड जोन नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में क्या अंतर है। रेड और ऑरेंज जोन में अंतर है कि रेड जोन में वो इलाके शामिल हैं जहां कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, जबकि ऑरेंज जोन में कोई भी हॉटस्पॉट एरिया नहीं है। रेड जोन को भी दो भागों में बांटा गया है। रेड जोन में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना का आउटब्रेक हुआ है। उसके अलावा कुछ रेड जोन वाले जिलों में कोरोना के बहुत सारे मरीज सामने आए हैं, वहां क्लस्टर बन गए हैं। रेड जोन वाले इलाकों में घर घर सर्वे कर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जाती है और पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों पर रोक के साथ साथ जरूरी सेवाओं को चालू रखने की इजाजत दी जाती है। ऑरेंज जोन में सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार वाले मरीजों पर विशेष ध्यान रखा जाता है और उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। रेड और ऑरेंज जोन के अलावा सरकार ने ग्रीन जोन में भी कोरोना पर नजर रखने का फैसला लिया है। ग्रीन जोन वाले इन्फ्लुएंजा या फिर सांस से संबंधित बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित मरीज